फिट रहो, 1 बजे निकलेंगे, 1:30 तक पहुँच जाऊँगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पे पसीना देखा कितना, अभी नहा के आए हैं हम लोग, लेकिन पसीने ने बुरा हाल किया है। आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं उधर, क्या कहते हैं, मैना की तरफ। आप मैना को याद करते रहते हैं, मैना की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मैना से आज आप सबकी मुलाकात होगी, उधर दावत है, उनके घर आई लोग आ रहे हैं, हमारी पुप्पो जी और उनकी फैमिली आ रही है, तो उधर ही फिर आपसे मुलाकात होगी। और कुछ आप कमेंट्स नहीं भेजने हमें, और हमें वो फिजा है, ये बनीजा है, आप लोग कुछ भी नहीं हमें भेज रहे। काइंडली आप ज़रा अपने कमेंट्स तेज़ करें, अपनी बातें हमसे करें, ताकि आप जो हमारी फैमिली हो जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, कम अज़ कम उस फैमिली का हमें पता तो चलता जाए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ठीक है, फिर हम इस वक्त ऊबर की तलाश में हैं, यूं ही ऊबर हमें मिल जाती है तो हम निकलते हैं। रास्ते में थोड़ा बहुत आपको बताते जाएंगे और काम हो। ठीक है मेरे प्यारे सज्जन मित्रों, ते मेरे घोड़े हो, मेरे कुकू घोड़े हो, ते मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अब हम जा रहे हैं मैना की तरफ। और मैंने का फूल मेरा जो है ना, ये आउटफिट ले लो और ड्रेस पूरा ले लो, सब का ले लो बारी बारी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को शौक है और आप कहते हैं कि आप पूरा अपना दिखाया करें। ठीक है, ये मैंने लिया था सफायर से, ये मेरा ड्रेस सफायर का है। चलो फिजा खाए जी, फिजा का साया खाए, साया का ड्रेस ये मुझे पुप्पो जान ने गिफ्ट किया था, मैंने गिफ्ट किया इसे। हाँ फिजा ने आज ना मैचिंग अपना वो पहना है, कुछ भी बड़ा मैचिंग पहना है। तो फिजा ये हमारा कुछ है इधर, ये फिजा का कुछ है, दोनों के ये देख आपका तो आप भी जूता साथ में लगा, ये एक नया ना टच जरा फेंकते हैं। ठीक है, ये विनी सी क्यूट सी विनो, ठीक है, अभी पढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर रही है अभी, इसका 2 सेमेस्टर हुए हैं मेरा ख्याल है ना, हाँ 3rd में है अभी, तो इंशाल्लाह ताला। ये सबसे छोटा पटोला है और ये अभी यूनिवर्सिटी में गई है एफ ए करके, आजकल आपको पता है एफ ए के बाद जो ना इसकी भी स्मार्ट सी जूती आप देख लें, और ये बस मेरी तरह सिंपल सिंपल कपड़े पहनती है, समझ गए, छोटी है ना इसलिए। ओके जी, फिर बातचीत करते हैं, उबर पे बैठने लगे। जाते हैं हमारी ऊपर आ गई है, पुप्पो जान का बैग का कोई ऑर्डर करके आज मेरी छोटी, आज मेरी छोटी बहन जा रही है ना साथ में, मैंने कहा इनको पता होना चाहिए, नहीं आगे रख लो जो तो कर रहा आ आगे डिफेंस रोड आ जाना मेरी मर्जी। We are on our way. This is Manu and this is Vanita. And this is Pooja. चीजें पकड़ी? पकड़ी है। एक आसमान निकाल आई है। हम पहुंच गए बीबी की तरफ। अपना भी ले। पहुंच गए हैं बीबी की तरफ, मैं ना जानती थी। चले अंदर चलते हैं, आ जाओ खोल दे, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फिजा हसन, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, ये किचन में रेड मारते हैं, ये चिकन कढ़ाई है, दिस इज सम शोरबा, व्हाट इज दिस शोरबा,
कोफ्ते अंडे हैं एंड दिस इज पालक गोश्त यमी एंड दिस इज अ शेफ, इन्होंने सब कुछ अकेले किया। और ये चावल है, ये भी दम पे लगे हुए हैं, मां को नहीं दिखा सकते। खोल के दिखाएं फिर। बिस्मिल्लाह हो ईमान लग रहा है तो देखे मैं मौजूद हूँ आज फिर आप लोगों के साथ। ठीक है चले सब पे लफ्ज बहुत बड़ी चीज है बेटा, लोगों के दिल जीत लेते हैं। एक्चुअली मैं सारे आम अच्छे अच्छे लफ्ज बोले करोगे दूसरे कोई चाहते दिल ये क्यों मेरा शोर करे। कौन सा ये लगाओ, वो कह रही है नीचे जो है नीचे, जरा नीचे वाला लगाए। वाह कितना प्यारा लग। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम हाय गाइस, गुड गुड गुड। हाय हम जितनी देर बातें कर रहे हैं, हाय लुकिंग प्रिटी। मेरे बच्चे आई मीन हम सब इधर हैं, ये देख सब इधर हैं। अब बाकी सारे ये बीवी हैं गाइस, योर फेवरेट और वो सब है। ये फिजा है, ये वनीज है और वो बाहर सारे हैं। इनकी पिक्चरें नहीं ख़त्म हो रही गाइस, ये देखे शरीफ होके बैठी है। लगने वाला नहीं नहीं मुझे इधर ग्लास बने उधर ना आयशा ये पहले दो ही रख बेटे, ये पांच बार देखना पहले ये रखना शुरू करो फिर हुई। अभी नहीं अभी नहीं आयशा अंडे डल रहे हैं। इस पे जरा काट बीबी रखा इसको। हाँ बेटा ये रोटियां भी
एक मिनट आशा माँ हाँ ही छुट सब खाने का वेट करेंगे बड़े हम मनारे पड़े ये तो खाने का टाइम है ना चल रहा है अंदर डालो तुम पहले फिर डब्बे में हाँ जी अप्पा को तो हाँ जी हाँ ये औरत का पता चल रहा होगा कि ये क्या कर रही है Yeah. Hi guys. And these two kids. मामू मियाँ के घर थी मामू मियाँ के घर से वो गई आंटी सोफिया के घर कौन सा वाला हेलो मंसूर भाई हेलो पता नहीं उन्होंने लिखा होगा इस पे मैंने पढ़ा है इस पे लिखा होगा चलो फुफो जिन मिली है ईमान जल्दी जा रहे हो लेकिन कोई बात नहीं शादी की लो जी ये तीनों जो हमारी शहजादियाँ हैं फिजा वनीसा और ईमान ये तीनों तो जा रही हैं वापस घर को क्योंकि कल जो है फिजा का कॉन्विकेशन है उसका उसको डिग्री कल मिलनी है जो उसने भी कॉम ऑनर मुकम्मल की है तो वो सुबह क्योंकि उसने जाना है तो इस वजह से ना अल्लाह हाफिज इसलिए वो तो जा रही है अदरवाइज वो भी स्टे करती मैं ना के घर ना तो खैर से जाए सारे लोग गाड़ी बड़ी टीचर है तो ये लोग एक फैमिली तो चली गई अब खैर से पुप्पू जी की फैमिली है मैं ना जानू भी जो है ना बड़े हलाला कर रहे हैं चलो अंदर मेहमान बैठे हाय ला उनको तो रुख्सत कर ले मेहमानों को भी पता है चैलेंज ये तो खैर से चले गए अब हम अंदर जाते हैं अब पुप्पू जी को खुदा हाफिज करेंगे थोड़ी देर बाद मैं ना जानू आप भी कोई बात कर लें सारे आपसे आपको मिस कर रहे होते हैं हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उन सब के शुक्रिया प्यारे लोगों हाँ बहुत शुक्रिया मैं वेयर ना इसने पप्पी घी है ना जप्पी घी है मिला छोड़ा पप्पा भी दे दे एक जरा मंजूर अंकल को अगो चलना भी है अच्छी गाय की आ रही है अच्छी गाय की आ रही है अच्छी क्यों आती है अच्छी अगी 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 इतना पालू है ना इतना पालू है बड़ा ही पालू है बड़ा ही पालू है
माई हो गई ध्यान ना चलो आओ देखो तो लो मेरे फूफो जी उनकी सारी फैमिली आंटी सिनी और आयशा हारिस और दोनों बच्चे मोहम्मद और अयाना अब ये जा रहे हैं खैर से मैना के घर आज दावत थी इनकी इस वजह से हम भी आए हुए थे और ये भी सारे बड़ा बहुत ही अच्छा लगा है माशाल्लाह सारे आए हुए थे खूब इंजॉय किया है आपके सामने सारा कुछ ऐ देखो जी सब चले गए अब खैर से हमारे सारे गेस्ट चले गए हाँ माशाल्लाह सब खूब एंजॉय करके गए ये देखे मैंने कहा घर आपको दिखाऊं जब मैं मान जाते हैं तो देखे कितना सैड भी हो जाता है इंसान और कितना उदासी हो जाती है सारे सोफे सब गद्दियां उदास हो के ना उनके मुंह बेचारियां पईयां ने है ना बेचारियां इंज सैड हो गई ने और देखो सब डिगिया पईयां जे भी असी तो डिगे ही होए हाँ पर गद्दियां भी डिग पईयां जे हाँ जी मैं ना जानू देखो अज इन्होंने बड़ा मारखा मारी है इसने क्यों इस इतना अच्छा खाना इसने बनाया पालक गोश्त बिरयानी साथ ही इसने कोफ्ते अंडे कोरमा और साथ ही इसने कढ़ाई बनाई इतनी ज़बरदस्त हर चीज़ थी माशाल्लाह माशाल्लाह और मंसूर साहब ने जो है ना स्पेशल कहीं से इन्होंने जरदा बनवाया स्पेशल और कमाल का जरदा था मंसूर क्या कहने ने मैं कहनी हाँ ताे जरदे दे तुसी कमाल की थी मैं ना क्लोज हो जाइए तो मैं भी आ जावगी ना इस गले कह रही हूँ जरा क्लोज हो कि सारे जिन्हें आई मंसूर अभी बड़ी दूर से ढूंढ के आड़ू लेकर आए आड़ू का क्या कहना है व्यूअर्स आप भी हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आड़ू ना पेट क्यों हो गए हैं अक्टूबर में हाय मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि आड़ुओं को क्या होगा अल्लाह खैर करे आड़ुओं के साथ आड़ू आड़ू हो गए आड़ू आड़ू हो गए इतने आड़ू मंसूर सुना है कि आपने बड़ा ढूंढ ढूंढ के इन आड़ू जो हमसे रूठ गए थे इनको लेके आए हैं आप जी आड़ू नहीं मिल रहे बड़ी मुश्किल से एक दुकान पे मिले हैं और फिर आपसे उन्होंने नाराजगी का इजहार तो नहीं किया काफी मेरा ख्याल है मना के लाए हैं महंगे बड़े मिले हैं आपको यस अभी हम खाते हैं इधर आ जाएं आप मैना की मैं कहा बातें जरा हो जाएं प्यारी प्यारी क्योंकि मैना जानू जो है ना ये इधर आए इधर आए इधर आए आप जी जी व्यूअर्स और सुनाए क्या हाल चाल है आपके सब ठीक ये मैना है और आपको पता है मैना जान के साथ मंसूर जान बैठे हुए हैं दोनों मियां बीवी बहुत ही अच्छे बड़े प्यारे बहुत मोहब्बत करने वाले दोनों अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे इनकी जोड़ी हमेशा कायम रहे और अल्लाह पाक जो है इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और दूसरा जो है इन्होंने ये जो उद्दल बुद्दल सारे उदास होके गद्दियाँ कुशन पड़े हुए थे ना उन सब को इन्होंने अब दुरुस्त किया है और मंसूर साहब जो है ना वो रूठे हुए जो हमारे आड़ू थे उनको कैसे मना मना के लेके आए हैं और साथ जो है अमरूद भी लेके आए ने वेरी गुड भाई वेरी गुड क्या कहने ने तो जो जिस जो हमें दुआएं दे रही हैं अल्लाह पाक उनको भी जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे और हमेशा सलामत रहें
और अपनी दुआएं दे रही हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी बहुत 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 अच्छा करे। और आपने देखा आज ये येलो परी बनी हुई है और मैं नीली परी बनी हूँ और ये सफेद परी हैं। शहद की मक्खियां और शहद की मक्खियां जो है वो आज शहीना के ऊपर जो है वो फिदा हो रही हैं, बना रही हैं। बहुत शुक्रिया। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हमसे खुश रहें, हमारी बातों को इंजॉय करें, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाएं। और मुझे उम्मीद है कि इसके साथ ही, क्योंकि आज बड़ा जरा दिन बड़ा खुशियों भरा था कि प्यारे प्यारे लोग आए हुए थे, मैना का मजे का खाना सबने खाया। और हमारे लिए ये सबसे ज्यादा बाई से मुसरत बात थी कि हमारी नानी अम्मा आई थी। वो हमारी बुजुर्ग हैं, हमारे फूफो जी हैं, वो इनकी फूफो हैं, मेरी नानी है, मेरे नाना की बहन है बिल्कुल, और इसलिए बहुत हमें अजीज हैं। और साथ आयशा आंटी जीनी, हारिस, तारिक मामू का और आंटी का बहुत शुक्रिया कि वो लोग भी आए बिल्कुल, और हमने खूब एंजॉय किया। आज हमारा फैमिली डे बहुत अच्छा गुजरा, अच्छा और इन सब के साथ साथ फिजा का, वनीजा का और ईमान हसन का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए। और जो खाना था वो हम सब ने बहुत एंजॉय किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ऐसी दावतें। और आप भी मुझे जरा बताएं कि आपको इस सारी डिशेज में जिसका मैंने जिक्र किया है कि पाली गोश्त और बिरयानी, साथ जो है कोफ्ते अंडे कोरमा, और साथ जो है चिकन कढ़ाई, और फिर मीठे में ज़रदा बड़ा क्लास का, ये मुझे बताएं आप लोगों को, मेरे व्यूवर्स को, मेरी फैमिली को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, इसकी राय ज़रूर दें। तो मेरा ख्याल है मैना जान जी, अब इनको खुदा हाफिज करते हैं, इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात आपसे, कल फिर एक नए जोश और जज्बे के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लिहाजा आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबकी दिली तमन्नाएं पूरी करें और आप सबको जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। आमीन। इसी दुआ के साथ हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। और आपको मैं जाते जाते ये कहूंगी, सब्सक्राइब जरूर कर दियो, घंटी का बटन दबा दियो, और नाल जिहड़ा वी ना अपने कमेंट्स लिखो, पता लगे कि तुसी किन्ना कुछ सांतियां गल्लां नूं पसंद कर रहे हो, क्योंकि तुसी साडी फैमिली हो। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।